नमस्कार दोस्तों, साउंड वाला मास्टर के मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल हम बनाएंगे, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, मेल किया था मुझे कि सर मुझे गाने के बारे में इतना कुछ आता नहीं है, मैं साउंड रिकॉर्डिंग सीखना चाहता हूँ, मुझे ताल का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बीट बनाना भी जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ जो ये सब का नॉलेज मुझे आए। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आप जो लूप्स बनाने होते हैं या वो जो आप बीट बोल रहे हैं जिसको, बीट बनाना कैसे सीखें, तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि कोई भी गाना ले लें पहले, तो सबसे पहले आप एक गाना इंपोर्ट कर लें, इस चीज़ को समझ लें, जो भी आपका दिल करे। मैं यहाँ पर रहमान जी का एक गाने को मतलब फॉलोअप करके वो रिदम को मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ क्रिएशन नहीं कर रहा हूँ, ये जो उन्होंने बनाया है उसका जो बीट्स है उसको मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमको टेम्पो ले लेना है, टेम्पो को उसका जो टेम्पो है उसको कॉपी करना है, तो टेम्पो पहले कॉपी कैसे करें, ठीक है। तो पहले हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा बीट कैलकुलेटर। ओके, पहले आप मेट्रोनोम को ऑफ कर लें क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा काफ़ी, नहीं तो। और जो बीट है फील कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसको टैप करना है, यहाँ पर देखिए टैप टेम्पो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मुझे लगता है 109 है हम लोग का, यहाँ पर देख रहे हैं, देखते हैं 109 लगा कर देख लेते हैं क्या वो सही है, नहीं थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैंने पिन पॉइंट पे इसको काटा था, मैंने यहाँ पर देखिए, तो इसको पिन पॉइंट पे मैंने इसको काट के, हमेशा याद रखिए जब भी आप पूरा फ्लेक्सिबली इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको बंद कर लें, अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो ये बार या बीट में जाएगा, ये जैसे बीट सिलेक्ट किया तो ये बीट में जा रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको बार सिलेक्ट करूं तो ये बार में जाएगा, ये देखिए 2 में आ गया, 1 में आ गया, बीच का कुछ और काम नहीं करेगा, तो ठीक है इसको थोड़ा सा इसको पीछे लाना है, मतलब टेम्पो थोड़ा सा फास्ट होगा, तो 110 देखिए पूरा परफेक्ट, तो ये गाना 10 मतलब 110 टेम्पो में बना हुआ है, ठीक है। तो मेट्रोनोम सुन लेते हैं, तो पहले हमको ये जो लूप है इसको कॉपी करना है, ठीक है, यहां तक। यहां पर एक कट मार्क लगा लेते हैं, अल्ट प्रेस करके मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये कट गया, उसके बाद क्लिक करके यहां पर पी प्रेस किया, उसके बाद रिपीट ऑन किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिडी ट्रैक ड्रॉ किया, उसके बाद इसको डबल क्लिक, मेरे पास जो भी अवेलेबल है उसमें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर, देखा किक, पहले मैं किक को फॉलो कर रहा हूँ, तो किक कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो पहला किक तो ये फर्स्ट वन, यहाँ पर एक किक आ रहा है, ख्याल कीजिए जब यहाँ पर आएगा तो फिर से एक किक बजेगा, यहाँ पर एक स्टिक, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो बस यहां पर और यहां पर, यह हमारा एक ट्रैक रेडी हो गया है, ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल डी करके आगे बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक हमको ये लूप चाहिए।
शायद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। बस यहाँ पर जो स्टिक है वो अप्लाई नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करने जाऊँ तो सही नहीं होगा शायद, देख लेते हैं फिर भी। यस ठीक है, यहाँ पर भी ये डिलीट होगा। नहीं, यहाँ पर यूज हुआ है, सॉरी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एरिया पे। यहाँ पर परक्यूशन है तो परक्यूशन हम ऐड करते हैं, सेकर यूज हुआ है। ये सब टिम्बर्स के नाम अगर आप FL Studio यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको मैं बोलूँगा कि FL Studio का डेमो वर्जन भी डाउनलोड करें और सारे वो पैक्स जो हैं उनके नाम आप वहाँ से जान सकते हैं। कुछ शिट, इसको हमको करना पड़ेगा, शिट 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 शिट, अभी ठीक है 16 पे। इसको ऑन करना पड़ेगा नहीं तो पोजीशन सही नहीं होगा इसको काम करते वक्त। तो यहाँ पर एक एक गैप में मैं दे रहा हूँ क्योंकि सेकर का पैटर्न कुछ मुझे इस तरह से लग रहा है, मैं भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी कुछ पैटर्न सही लगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, कीबोर्ड होता बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं,
है, तो यहाँ पर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करता हूँ, फिर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, तो फिर से ये जो पैटर्न है यहाँ पर से शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ तो रहमान सर ने कुछ सिंपल बनाया था और मैंने कुछ सिंपल फॉलोअप करने की कोशिश की, तो कुछ इस तरह से काम करेंगे आप। तो पहले उसका टेम्पो सिलेक्ट कर लें, मतलब उसका जो गाने का जो टेम्पो है, आप वर्चुअल डीजे में भी उस टेम्पो को डिटेक्ट कर सकते हैं कितने टेम्पो में है, या बीट कैलकुलेटर में आप अपना टेम्पो को माप सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कितने में है। और कुछ इस तरह से आप लूप बनाएंगे और बीट्स को फॉलोअप करेंगे। कई सारे ताल हैं, कई सारे वेरिएशंस हैं लूप्स के या बीट्स के, तो उन सब के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, उस नॉलेज को ज्ञान मतलब अपने अंदर में डालना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त कोई तबलिस्ट है या ढोलक प्लेयर है तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ों को समझा सकता है, तो उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लें ताल और बाकी सारे जो रिदम्स के पैटर्न हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, तो आपको काफ़ी आसानी होगी ये इन बातों को समझने में। तो आज के लिए सर इतना ही, थैंक यू।